तो चलिए स्टार्ट कर दिए हैं। देखिए जीरो पर है और ये देखिए पाँच हो गया है। कितना स्पीड हम चला पा रहे हैं थोड़ा देखते हैं। और जैसा कि आप लोग स्पीड देख पा रहे हैं 12, 13, 14, 15, सॉरी दोस्तों 15 अभी तक नहीं हुआ है। और स्पीड। हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजू जी में। सो दोस्तों, जैसा कि ये 20 इंच साइकिल आप देख रहे हैं, तो ये साइकिल में हम क्या करेंगे, ये स्पीडोमीटर को लगाने वाले हैं। जैसा कि देख रहे हैं, हम पैकेट से बाहर निकाल लिए हैं स्पीडोमीटर। तो ये साइकिल में किस तरह से स्पीडोमीटर फिट होता है, कैसे करना है, क्योंकि इसके रिलेटेड में बहुत सारे ऐसे हमारे डेयर सब्सक्राइब व्यूअर्स ने भी हमें कमेंट किए हैं कि 20 इंच का साइकिल में जो है स्पीडोमीटर फिट करके हमें दिखाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों का कम से कम ज़्यादा न लेते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, साइकिल में स्पीडोमीटर फिट करने से पहले, जैसा कि देख रहे हैं, स्पीडोमीटर हम पहले पैकेट से बाहर निकाल लिए हैं। तो इसका साथ में आपका एक होल्डर आ जाता है, एक आपका सेंसर आ जाता है, उसके बाद एक आपका जो है डिस्प्ले आ जाता है स्पीडोमीटर, जिसमें बताता है कितना स्पीड में साइकिल चल रहा है। उसके बाद एक आपका मैग्नेट आ जाता है और कुछ बेल्ट आ जाता है नायलॉन का। तो किसी भी साइकिल में आप आसानी से स्पीडोमीटर फिट कर सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। अभी मजा आएगा ना वीडियो, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट अच्छे से देखें। तो ये हमारा 20 इंची का साइकिल है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, होल्डर सेंसर ले लेना है। तो नहीं तो होल्डर को आपको कहाँ फिट करना है आप अपना हिसाब से देख ले हैंडल में। तो हम यहाँ पर हैंडल में फिट करने वाले एकदम मिडिल पे, ठीक है। तो इसमें देखिए पीछे साइड में एक आपका टेप लगा हुआ है, तो रेपर को निकाल देना है। उसके बाद फिर आपको इस तरह से जो है मिडिल में देखते हुए फिट कर लेना, जहाँ पर आपको सुविधा हो। अच्छा, ये देखिए, ये आपका होल्डर फिट हो गया है। होल्डर फिट करने के बाद आपको क्या करना है, बेल्ट को फिट करना है। तो अपना हिसाब से आपको बेल्ट को जो है टाइट करके फिट करना है, ताकि साइकिलिंग करते समय कोई भी ऐसा प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर देखिए आपका होल दिया हुआ रहेगा। सो दोस्तों, दोनों ही बेल्ट को हम फिक्स कर दिए हैं, और ये जो बेल्ट का एक्स्ट्रा लेंथ रहेगा इसे आप कट करके निकाल दें। तो होल्डर फिट कर लेने के बाद आपको क्या करना है, अपना हिसाब से वायर को फोल्ड करते हुए आपको जो है नीचे की ओर लेके जाना है, व्हील के पास में ये सेंसर को फिट करना है। सो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं, होल्डर फिट करने के बाद हम अपना हिसाब से यहाँ पर जो है वायर इस तरह से लेके गए। यहाँ पर हम टेप भी लगा दिए हैं इस तरह से, ये देखिए। लेकिन एक बात आ जाता है, जब आप होल्डर को फिट कर देंगे, होल्डर फिट करने के बाद जब आप सेंसर को फिट करेंगे, तो सेंसर फिट करने का तरीका कुछ अलग है, नहीं तो फिर आपका जो है स्पीडोमीटर सही से वर्क नहीं करेगा, सही से काम नहीं करेगा। तो सेंसर को किस तरह से फिट करना है, ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें। तो मैग्नेट से जो स्क्रू रहेगा, उसे आपको स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लेना है। उसके बाद मैग्नेट को इस तरह से आपको खोल लेना है। मैग्नेट को आपको क्या करना है, इस तरह से स्पोक में आपको फिट कर लेना है, जैसा कि देख रहे हैं, एकदम ईजिली फिट हो जाएगा। इस तरह से आपको जो फिट कर लेना है, और स्क्रू ड्राइवर का मदद से आपको जो है टाइट कर देना है। ये देखिए, ये आपका टाइट हो गया, लेकिन आपको स्क्रू को पहले फुल टाइट नहीं देना, लूज रखना। फिर आपको क्या करना है, सेंसर को फिट करना है। तो सबसे पहले आपको जो सेंसर को इस तरह से पूरा आपको फिक्स नहीं कर देना, इस तरह से रखना है। उसके बाद आपको जो है मैग्नेट को देखना है, यानी मैग्नेट आपका किस तरह से सेटिंग मिल रहा है, इस तरह से आपको सेटिंग को मिला लेना। ज़्यादा का डिस्टेंसिंग ना रखें, कम डिस्टेंसिंग रखें, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो और सेंसर नीचे जाएगा आपको इस तरह से सरकाते हुए, और इस तरह से आपको मिलाना है। तो चलिए फटाफट मिला लेते, फिर आप लोग को दिखाते हैं और बताते हैं, ताकि आप लोग को कोई भी ऐसा प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं, सेंसर हम अच्छे से फिट कर दिए हैं। सेंसर फिट करने के बाद ये जो मैग्नेट रहेगा, ये मैग्नेट को इस तरह से फुल टाइट आपको कर देना है, ठीक है। आपको क्या करना है, डिस्प्ले ले लेना है। डिस्प्ले लेने के बाद आप एक आपको मैनुअल मिल जाता है। मैनुअल में आपका जो ये जो व्हील आप देख रहे हैं, व्हील का डायग्रेशन कितना रहेगा, वो आपको मैनुअल में देख करके और उस तरह से आपको सेटिंग को मिलाना है, ठीक है। जैसा कि इसका सेटिंग अभी देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, इसे आपको क्या करना है, इस तरह से जो बैक साइड में आपको स्क्रू ड्राइवर की मदद से ढक्कन को खोल लेना है, ठीक है। और बैटरी रहेगा, बैटरी को आपको इस तरह से निकाल देना बाहर, फिर आपको बैटरी को इस तरह से फिट करना है। ये देखिए, आसानी से हो जाएगा। बैटरी को फिट करने के बाद ये जो केप रहेगा, ये जो ढक्कन रहेगा, ढक्कन को इस तरह से आपको टाइट कर देना है। ये देखिए, ढक्कन जैसे हम टाइट कर दिए, तो ये देखिए यहाँ पर आपका शुरू से आ गया। और डिस्प्ले को किस तरह से मिलाना है, अच्छे से देखें और समझें। तो जितना भी व्हील का आपका डायग्रेशन रहेगा, वो आपको जो है मैनुअल में दिख जाएगा। तो मैनुअल में अपना हिसाब से देख लीजिए, आपका व्हील का क्या साइज है, 20 इंची है, 26 इंची है, या फिर 29 इंची है। तो सब आपको मैनुअल में सारा चीज़ देखने को मिल जाएगा। तो फिर आपको क्या करना, मैनुअल का हिसाब से जो भी नंबर रहेगा, वो नंबर को आपको मिलाना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो है बैटरी जैसे खोल के आप वापस लगाएंगे, तो ये आपका ऑन हो जाएगा, इस तरह से दिखेगा, इस तरह से आपका शो करेगा।
लीजिए। तो ये हमारा व्हील का नंबर है। अब चलिए किस तरह से फिट करके सारा सेटिंग को मिलाना है। ये कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आपको क्या करना है, साइड का बटन को एक बार प्रेस करना है, ये आ गया किलोमीटर पर, फिर एक बार प्रेस करना है, ये आ गया आपका टाइम, ठीक है। तो टाइम को आपको उसी तरह से मिलाना है। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं टाइम भी हमारा सेट हो गया है, तो टाइम को भी आपको इस तरह से मिला लेना है। होल्डर में जो है ये डिस्प्ले को फिट करना है इस तरह से। सो दोस्तों होल्डर को हम जो है उल्टा फिट कर दिए तो सीधा कर दिए हैं, ठीक है। आपको सीधा देखते हुए फिट करना, उसके बाद आपको जो डिस्प्ले को इस तरह से फिट करना है, आपको पुश कीजिएगा, डिस्प्ले आपका फिट हो जाएगा। जैसा कि देखिए डिस्प्ले फिट हो गया है। अब क्या करना है, डिस्प्ले फिट करने के बाद आपको जो व्हील को घुमा के देखना है, एक्यूरेट आपका फिट हुआ है या नहीं है। यहाँ पर आपको डिस्प्ले में देखिए, जैसा कि देख रहे डिस्प्ले में आपका बता रहा है, ठीक है। यानी सेंसर और मैग्नेट दोनों ही एक साथ में काम कर रहा है, इसलिए आपको वहाँ पर शो कर रहा है। अब क्या करना है, आपको पूरा फिक्स करना है, सेंसर को अच्छे से आपको फिक्स कर देना है। फिक्स करने के बाद जो नायलॉन का बेल्ट रहेगा उसे आपको इस तरह से फिक्स कर देना, ये अच्छे से फिक्स हो गया है। अब चलिए व्हील को घुमा के दिखाते हैं, ये देखिए एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो दोस्तों सेंसर को अच्छे से आपको फिक्स कर देना है। फिक्स करने के बाद थोड़ा सा आपको यहाँ पर टेप लगा देना ताकि वायर में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। वायर को आपको अच्छे से एकदम मिला लेना है, फिट कर देना है। और ये देखिए आपका स्पीडोमीटर एकदम अच्छे से फिट हो गया है। तो दोस्तों साइकिल को हम कितना स्पीड चला पा रहे हैं चलिए देखते हैं, और स्पीडोमीटर का भी जो टेस्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर दिए हैं, देखिए जीरो पर है और ये देखिए पाँच हो गया है। कितना स्पीड हम चला पा रहे हैं थोड़ा देखते हैं, और जैसा कि आप लोग स्पीड देख पा रहे हैं 12, 13, 14, 15, सॉरी दोस्तों 15 अभी तक नहीं हुआ है। और स्पीड। सो दोस्तों इससे ज़्यादा स्पीड हम नहीं चला पा रहे हैं, ये देखिए। तो ये लास्ट हो गया है आपका। तो स्पीडोमीटर हम अच्छे से आप लोग को टेस्ट करके दिखा दिए कि कितना स्पीड चल रहा है और कितना स्पीड हम चला पाए हैं। तो इस तरह से स्पीडोमीटर साइकिल में फिट किया जाता है, अच्छे से हम आप लोग को दिखा दिए। लास्ट में हम आप लोग को एक चीज़ क्लियर करेंगे, स्पीडोमीटर जब भी आप फिट करें तो इसका जो मैनुअल रहेगा मैनुअल में देख ले, टायर का जो साइज रहेगा, जो नंबर रहेगा, चाहे 26175 हो या फिर 20175 हो या फिर 16175 हो, वहाँ पर आपको आसानी से दिख जाएगा। और उसी का बगल में आपको नंबर दिखेगा, तो नंबर का अनुसार जिस तरह से हम आप लोग को दिखाएं बताएं उस तरह से मिला लेना है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आसानी से फिर आप जो है साइकिलिंग कर सकते हैं, और आपको स्पीड बताएगा आप कितना स्पीड में साइकिल को चला रहे हैं, हम आप लोग को अच्छे से दिखा दिए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि जिस तरह से वीडियो आपका काम आया उस तरह से अदर व्यक्ति का भी आएगा। और हाँ, ये बाय लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप खरीद के लगाना चाहते हैं तो।